तो जी टेक की बात है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme के C11 के बारे में। जी हाँ, ये एक फ़ोन है, बहुत जल्द आपको इंडिया में दिखने वाला है। इसका क्या होगा प्राइस, क्या होगा स्पेसिफिकेशन और इंडिया में ये कब दिखने वाला है और फॉरेन कंट्री में ये ऑलरेडी डेट पता चल गया है कि कब ये लॉन्च होने वाला है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको Realme C11 के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले हम बात करते हैं C11 के डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका फोटो आ चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉडी के साथ आएगा। जी हाँ, जैसे कि आपको C3 देखने को मिलता है या फिर नारुजो का सीरीज, नारुजो लेकिन थोड़ा उसका डिजाइन है कि लिखा होता है बड़े बड़े अक्षर में नारुजो, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग C3 की मिलेगा। लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पिक्सल की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलता है और सामने की तरह आपको एक ड्यू ड्रॉप, मिनी ड्रॉप, नॉच आप बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.52 इंच का HD+ वाला मिनी ड्रॉप वाला डिस्प्ले विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो 2.3 GHz ऑक्टाकोर मीडियाटेक हीलियो का G35 वाला 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं पे भी G70 से ये अच्छा है, लेकिन अगर आप टोटल प्रोसेसर देखेंगे इस फ़ोन का तो मुझे लगता है कि ये जो C3 है उससे आपको ये थोड़ा कम बजट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि C3 में इससे ज़्यादा स्पेशल मिलता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, प्रोसेसर बोल रहे कि अच्छा है, लेकिन G70, G35 ये कैसे पता नहीं है, क्योंकि उससे G70 के ऊपर जितने भी है सब उससे G70 से अच्छा है, और G70 से जो नीचे है यानी कि G30 बोलते हैं उसको, तो वो भी आना बाकी है। तो वो G70 से नीचे बोलते हैं तो G35 मेरे हिसाब से तो उससे थोड़ा डाउनग्रेड वाला प्रोसेसर है, लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा है। तो जब प्राइस इसका पता चलेगा तो पता चलेगा किस रेंज में ये आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो रैम रोम की बात करते हैं तो 2GB का रैम मिलेगा इसमें आपको और 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और फर्दर आप 256GB तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ये देखने को मिल रहा है। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि आपको लगेगा चार कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 13MP का एक रियर कैमरा, उसके बाद 2MP का और एक डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल रहा है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो अभी तक यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन मेरे हिसाब से आपको फ्रंट में 8MP का कैमरा देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ मिलेगा तो यहाँ पे आपको जैसे कि ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है, यानी कि 2 SIM, 1 microSD card वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ रियलमी UI आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 9 या 10 के साथ आपको देखने को मिल सकता है। 3.5mm जैक देखने को मिलेगा और 4G वोल्टी ये सब आपको देखने को मिलेगा। और बैटरी की बात करते हैं तो 5000mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कलर और प्राइस के बारे में और कब ये मिलेगा। तो प्राइस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 6000 से लेके 7000 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 8000 के अंदर, मोस्ट प्रॉबली 7000 इसका प्राइस हो सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। अब ये 30 जून को मलेशिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, लॉन्च होने वाला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में मे भी ये 25 तारीख को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, मे भी हो सकता है, क्योंकि उसका ऐसा रूमर आ रहा है, क्योंकि X3 आपको पता है कि रियलमी X3 और X3 सुपर जूम ये सब आपको लॉन्च होगा 25 तारीख को इंडिया के अंदर, तो शायद से मे भी ये आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, और नहीं हुआ तो मे भी आपको July 1st week में ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब कलर बता देता हूँ कि ये दो कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक एंड ग्रीन। जी हाँ, जैसे फोटो से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था दोस्तों आज की टेक की बातें के सीरीज में रियलमी C11 का कहानी। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और पता नहीं रियलमी ने C सीरीज में C3 के बाद डायरेक्ट हाई जम्प लॉन्ग जम्प करके C11 में कैसे पहुँच गया, पता नहीं कैसे पहुंच गया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इस तरह वीडियो और देखना है और हमारे चैनल में नए आ गए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे टेक मंडी यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।